कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार ने एक बार फिर स्वीकार कर लिया है कि प्रदेश में पिछले 16 साल से कुशासन किया गया है। प्रदेश सरकार 16 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश को 2,41,000 करोड़ के कर्ज में लेकर आई है। इस साल 40,000 करोड़ का कर्ज ले लिया है। अब बजट 80,000 करोड़ के घाटे का दिया। मध्य प्रदेश के इतिहास में इससे काला बजट नहीं आ सकता। आदरणीय शिवराज सिंह जी ने एक बार फिर स्वीकार कर लिया इस बजट के माध्यम से कि मैंने 16 साल से कैसा आर्थिक कुशासन इस मध्य प्रदेश में किया। उन्होंने कहा कि मेरी इस वर्ष की जो प्राप्तियां हैं, जो इनकम होगी प्रदेश की, वो 1,64,677 करोड़ रुपया है अनुमानित प्राप्तियां। और जो उन्होंने बजट पेश किया वो 2,41,375 करोड़ व्यय का किया, यानी लगभग 80,000 करोड़ रुपए के घाटे का बजट। ये अपने आप में बताता है कि इनकी आर्थिक कुशासन किस हद तक ऊपर जा रहा है, सर माथे जा रहा है।